हेलो नमस्कार दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पीटीए भर्ती थर्ड ग्रेड के अंदर बने दो गुट। जी हां साथियों, अब पुण्य होगी परिणाम की प्रक्रिया। पीटीए भर्ती मामले में नया मोड़ आ चुका है साथियों, उसको लेकर उपेन यादव का क्या बयान है। उपेन यादव लगातार जयपुर के अंदर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं पीटीए भर्ती के परिणाम निकालने को लेकर, और पीटीए भर्ती को लेकर हरिप्रसाद शर्मा का क्या बयान है, पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको यहां मिलती रहती है। और अधिक जानकारी पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर हर अपडेट दी जाती है, छोटी से बड़ी अपडेट दी जाती है। तो देख लीजिए आज की जो अपडेट है, पीटीए भर्ती फर्जी डिग्री पर सख्ती, बोर्ड ने अनुशंसा भेजी तो शिक्षा विभाग रोकेगा नियुक्तियां। अगर बोर्ड अनुशंसा भेजेगा तो शिक्षा विभाग नियुक्तियां रोक सकता है। ठीक है साथियों, दोहरी प्रक्रिया से होगी फर्जी डिग्रियों की जांच। पीटीए भर्ती में फर्जी डिग्रियों का मामला जोर पकड़ रहा है। फर्जी डिग्रियों की लगातार शिकायत आने के बाद अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने शिक्षा विभाग को सतर्क हो गए हैं। बोर्ड पहले ही फर्जी डिग्रियों की गहनता से जांच कर रहा है, वहीं अब शिक्षा विभाग भी जांच की तैयारी में है। ऐसे में अब पीटीए भर्ती में बाहरी अभ्यर्थियों की डिग्रियों की जांच दोहरी प्रक्रिया के तहत की जाएगी। उधर परिणाम को लेकर अभ्यर्थियों के भी दो गुट बन गए हैं। मंगलवार को अभ्यर्थियों ने परिणाम जल्द जारी करने की मांग को लेकर बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष उपेन यादव के नेतृत्व में प्रदर्शन किया, बोर्ड का शाम तक घेराव किया। दूसरे गुट के अभ्यर्थियों ने फर्जी डिग्रियों की जांच के बाद ही परिणाम जारी करने की मांग की। अब देखिए साथियों, अब पुण्य शुरू होगी परिणाम की प्रक्रिया। सूचना सहायकों की हड़ताल और प्रश्नों को लेकर आए कोर्ट के आदेश के बाद अब परिणाम की तैयारी पुण्य शुरू करेंगे। परिणाम जारी होने में समय लगेगा, इसके लिए कमेटी बनाई है। फर्जी डिग्रीधारियों की गहनता से जांच होगी। हरिप्रसाद शर्मा अध्यक्ष राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, उनका ये बयान है कि अब परिणाम आने में देरी होगी क्योंकि जो विषय विशेषज्ञ हैं उनकी कमेटी बनाई गई है, फर्जी डिग्री की जांच होगी। और देख लीजिए साथियों, आज की ये काफ़ी बड़ी अपडेट है, पीटीए भर्ती का मामला, फर्जी डिग्रियों पर बोर्ड की सख्ती, दो स्तरों पर होगी जाँच। तो जो फर्जी डिग्री वाले हैं उनकी बहुत गहनता से जाँच की जाएगी। और इसी के साथ साथ उपेन यादव ने ट्वीट करके बताया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी, राजस्थान के लाखों बेरोजगार अध्यापक भर्ती पीटीआई सीईटी स्कूल व्याग्रथा एमवीएसआई का परिणाम जारी नहीं होने से आक्रोशित हैं, इसलिए तत्काल सभी भर्ती परीक्षाओं का परिणाम जारी करना चाहिए, अन्यथा युवाओं का आक्रोश का नुकसान कांग्रेस सरकार को भुगतना पड़ेगा। तो ये उपेन यादव ने ट्वीट करके बताया है। पीटीआई परीक्षा के रिजल्ट को लेकर बेरोजगारों का प्रदर्शन, उपेन बोले जल्द रिजल्ट जारी करे बोर्ड नहीं तो करेंगे उग्र प्रदर्शन। उपेन यादव लगातार जयपुर के अंदर पीटी साथियों के साथ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं पीटी परिणाम को लेकर, लेकिन पीटी परिणाम जारी करवाने को लेकर दो गुट बन चुके हैं। एक चाहता है कि फर्जी डिग्रियों की जांच हो उसके बाद परिणाम जारी किया जाए, और अधिक संख्या में युवा ये चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द पीटीआई का परिणाम जारी किया जाए और उनको नियुक्ति प्रदान की जाए। ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। पीटीआई भर्ती से जुड़ी हुई हर अपडेट आपको इस चैनल पर देने का प्रयास किया जाता है।